हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रोज़गार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप करके मत देखना फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी क्या एक नई अपडेट आई है। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों और आढ़तियों के लिए एक खुशखबरी की घोषणा करी है। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या वो अपडेट है। फ्रेंड्स, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि फ्रेंड्स, मंडियों में सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, जो जो जिन जिन का वादा किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जिस जिस का प्रबंध किया था, इसमें बताया कि आज से गेहूं की खरीद शुरू, आढ़तियों को दी सौगात। आज से गेहूं की फसल की जो खरीद है फ्रेंड्स, आज से स्टार्ट हो गई है। जितने भी किसान भाई हैं उन पर मैसेज भेजे गए हैं कि आप अपनी फसल लेकर आए मंडी में। और इसमें बताया, देखते हैं क्या बताया गया। इसमें बताया कि फ्रेंड्स, किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफ़र किया जाएगा पैसा। फ्रेंड्स, जितने भी किसान भाई हैं जो मंडी में फसल लेकर जाएंगे, उनका जो पैसा है जो फसल का, वो 2 दिन के 72 घंटे के अंदर फ्रेंड्स भुगतान कर दिया जाएगा पैसे का। और इसमें बताया कि फ्रेंड्स, भुगतान में 72 घंटे से ज़्यादा देरी हुई तो 9% ब्याज मिलेगा फ्रेंड्स किसान भाई को। ये खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स। जितने भी किसान भाई है फ्रेंड्स, अगर 72 घंटे के से ज़्यादा अगर आपकी पेमेंट नहीं आई, 72 घंटे के अंदर का आपकी पेमेंट नहीं आई, तो आपको 9% ब्याज मिलेगा फ्रेंड्स। इसमें एक खुशखबरी की बात है। और इसमें आढ़तियों के बारे में बताया कि फ्रेंड्स, आढ़तियों की वो दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में 40% छूट देने का वादा किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। ये बहुत खुशखबरी की बात है फ्रेंड्स, आढ़तियों के लिए ये खबर दी है। और इसमें चंडीगढ़ से अपडेट आई है फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं क्या बताया है। इसमें बताया कि फ्रेंड्स, प्रदेश में गेहूँ और सरसों की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बुधवार को एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि खरीद के लिए मंडियों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों की फसल MSP पर खरीदी जाएंगी और उसका पैसा सीधे उनके खाते में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। और फसल के भुगतान में 72 घंटे से अधिक देरी होने पर 9% ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। किसान आढ़ती को आढ़त नहीं देंगे, बल्कि आढ़त सरकार की तरफ से दी जाएगी। रबी खरीद सीजन पर मुख्यमंत्री जी ने आढ़तियों को भी बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार की अनूठी पहल विवादों का समाधान तहत आढ़तियों को दुकान के बकाया राशि और ब्याज में छूट देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज 100% माफ करने का ऐलान किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्रेंड्स। और देखते हैं इसमें क्या बताया। इसमें बताया फ्रेंड्स, सरसों और जौ की खरीद 10 से CM मनोहर लाल जी ने कहा है कि सरसों की खरीद 10 अप्रैल से होगी और जौ और चना की MSP पर खरीदा जाएगा। इसकी खरीद भी 10 अप्रैल से शुरू होगी फ्रेंड्स। वहीं 48 घंटे में मंडियों से फसल का उठान करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की है फ्रेंड्स। में बताया मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत अनाज मंडी और सब्जी मंडियों में जो प्लाटदार किन्हीं कारणों से समय पर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, उनके लिए अब सरकार ने डिफॉल्ट राशि का ब्याज में 40% और दंडात्मक ब्याज को 100% माफ़ करने का निर्णय ले लिया है फ्रेंड्स। और बेशर्ते प्लॉट धारक 15 जून 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा सकते हैं। इसमें 1131 करोड़ रुपये बकाया है। इस समय हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2421 अबंटी डिफॉल्टर है, जिनकी तरफ से लगभग 1131 करोड़ रुपये की राशि बकाया है। आज की घोषणा के बाद प्लॉट धारकों को 370 करोड़ रुपये ब्याज में 40% की छूट और 100% दंडात्मक ब्याज का लाभ होगा फ्रेंड्स। इसमें यह जानकारी दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्रेंड्स। किसानों का अगर 72 घंटे में फ्रेंड्स पेमेंट नहीं हुई तो 9% ब्याज मिलेगा किसानों को। और आढ़तियों को फ्रेंड्स, जो दुकानों की बकाया राशि है ब्याज में 40% छूट देने की घोषणा करी है फ्रेंड्स। ये खुशखबरी की बात थी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही जानकारी शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।